हाँ भाई, तो हमने बातें कितनी कर ले ना, कौन कौन सी बातें हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े थे है ना बेटा, और डिस्क्राइब किया था अलग अलग उनको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से हम हाइब्रिड पहचानते हैं। बातें नहीं लड़के ही, मोबाइल वोबाइल रख दे है ना, कैसे हम पहचानते हैं हाइब्रिड को, और इसके अलावा किस तरीके से हम गैमेट फॉर्मेशन होता है, कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ना, ये सब बातें हमने देखी थी। अब हम बात करते हैं, अब आ गया ना अच्छे से गैमेट फॉर्मेशन, बना दोगे ना जब मैं दूंगा ना। चलो पहले वो डायहाइब्रिड क्रॉस वाला कर लेते हैं। नहीं सुनो, मैं एक चीज और बता रहा था, कल मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कराई थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी तो पढ़ा दिया था, तो पहले कोडोमिनेंस पढ़ा देते हैं, कोडोमिनेंस करा देते हैं, तब जाएंगे उसके मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। ठीक है, देखिए कोडोमिनेंस जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, पता है, एक तो एक बात ध्यान से सुनो, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कैसे सिमिलर है, क्योंकि जैसे वहां पर ना, हाँ, जो एक नया आता था ना, एक नया ट्रेट F1 जो होता था, F1 ऑफस्प्रिंग, वो एक नया ट्रेट आता था बेटा। आपने देखा था कि रेड को व्हाइट से कराया था तो पिंक आ गया था, ब्लेंडिंग से, मिक्सिंग से, इंटरमीडिएट एक नया आया, ऐसे यहां पे भी नया आएगा। F1 जो आएगा, F1 ऑफस्प्रिंग, वो कैसा आएगा बेटा, नया आएगा। और पता है जो F2 का जो रेशियो आया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, 1:2:1 आया था है ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो, यहां भी बेटा वही आएगा। फिर अंतर क्या बहुत बड़ा, यहां पे ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होगी, यहां ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होगी कैरेक्टर्स की, इसीलिए बेटा इंटरमीडिएट नहीं आएगा फिनोटाइप, समझ गए ना। वो दोनों का डोमिनेंस है, यानी कोई भी यहां पे डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं है बेटा, है ना बच्चों, यहां पे कोई डोमिनेंट और रिसेसिव वाली रिलेशनशिप नहीं है, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही रिसेसिव है। ठीक है, मतलब जो करेक्टर आएगा, ट्रेट आएगा F1 में, वो दोनों के कंट्रीब्यूशन से आएगा, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मिक्सिंग नहीं होगी, ध्यान रखिए इस बात को मेरी, को मिक्सिंग नहीं। नहीं होगी। दोनों एलील यहां पर बराबर इक्वली बेटा वो कर रहे हैं, F1 जो ऑफ स्प्रिंग है वो रिप्रेजेंट करेगा न्यू ट्रेड, या बेटा न्यू फिनोटाइप, बट नॉट इंटरमीडिएट, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं होगा वो। ठीक है ना, ये मैंने साफ साफ यहां पर भी बार बार देख लो लिख दिया कि कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ब्लेंडिंग नहीं होगी, और वो इंटरमीडिएट नहीं होगा, लेकिन नया होगा। ठीक है, यस।
इस पे बार बार हमने काफी वजन डाला है बात पर। कोई डोमिनेंट को रिसेसिव नहीं है, एक तरीके से मान लीजिए आप। जैसे इसका अब एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा होता है, एबी है ना बेटा, ब्लड ग्रुप एबीओ नहीं बोलना चाहिए पूरा वैसे कायदे में, क्योंकि वो एक दूसरा वो है एस्पेक्ट, बताऊंगा मैं तुम्हें, वो मल्टीपल एलिज्म में आ जाता है, क्योंकि इन्होंने तो यहां पे एक ही को फिर दोनों जगह ही काउंट कर लिया है ना। ए बी ब्लड ग्रुप, ये कोडोमिनेंस शो करता है। ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, देखिए होता क्या है बेटा, ब्लड ग्रुप के लिए या तो मैं बोलूं इसे आई ए है ना, ये एलील है किसके लिए, ए ब्लड ग्रुप के लिए, किसके लिए बेटा, ए ब्लड ग्रुप के लिए। और इसके पास में ए लिखा है ना ऊपर हमने, इसका मतलब यह है कि इसमें आरबीसी के सरफेस पर ए टाइप की शुगर है या एंटीजन है। आरबीसी पर ये मतलब होता है, ध्यान रखिए। शुगर एनसीआरटी शुगर वर्ड यूज करती है, वैसे एंटीजन होता है, ठीक है। हाँ, और आई बी का मतलब है, आई बी अगर एलील है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, कैसा होगा, बी ब्लड ग्रुप विद शुगर या एंटीजन बी ऑन आरबीसी, क्लियर। तो जब ए और बी दोनों साथ में आए ना, यानी दोनों एलील आई ए और आई बी जब ऑर्गेनिज्म में एक साथ आ गए, तो पता है दोनों टाइप के एंटीजन बन गए उसके अंदर, ए भी बना और बी भी बना। अच्छा, बाकी के एस्पेक्ट की हम अभी बात नहीं कर रहे, वो अभी आगे पढ़ाएंगे तुम्हें, सारे है ना जो ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप के सारे एस्पेक्ट बाद में बताएंगे, यहां तो हम केवल कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्रॉस बना के दिखा देते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन एक ज्यादातर आता है बेटा, एक आपको आगे पढ़ाऊंगा कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, उस पे एक क्वेश्चन क्रॉस आता है। तो देखिए साहब, आई ए ये हो जाएगा, सबने लिया। अच्छा, दो दो एलील क्यों लेने पड़ते हैं, क्योंकि पेयर में क्यों डिप्लॉयड होते हैं हम लोग, ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ये पेरेंट्स हैं सपोज करिए। तो जो बच्चे आएंगे, आप जानते हैं गैमेट्स कौन कौन से बने, आई ए और इसका आई बी, तो सारे बच्चे आई ए आई बी टाइप के आए, चाहे हम पेरेंट स्क्वायर बना देते, बात तो वही है। इसको बोलते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप, क्या बोल देते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए और बी का स्टेप से कॉम्बिनेशन आ जाता है। और मेरे खुद की फैमिली में, मतलब मेरे बच्चों में यही कॉम्बिनेशन है, देखो मतलब मैं बी पॉजिटिव हूं, वाइफ का ए पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, और जो बच्चे हैं दोनों ब्लड ग्रुप उनकी वो हो चुका है, जैसे एक आधा रिपोर्ट रिपोर्ट तो उसमें, तो उनका ए बी है, हालांकि हाँ ए बी दोनों का वो आ गया कोडोमिनेंस होके, ए और बी दोनों साथ में आके ए बी हो गया है ना। हालांकि ए और बी वाले बताऊंगा मैं आगे तुम्हें, ए और बी ब्लड ग्रुप वालों के बच्चे किसी भी टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे होमोजाइगस लिए ना, अगर हम हेटरोजाइगस से ले लेंगे तो चिन्ह। खैर, अब देखिए, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोडोमिनेंस इसीलिए कि आई ए और आई बी एक दूसरे के ऊपर कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है, दोनों इक्वल है ना,
ए वाला जो एलील है वो भी और बी वाला भी, है ना, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। अगर ऐसा होता कि सपोज करो ए वाला डोमिनेंट होता बी के ऊपर, तो फिर ए ही आता ब्लड ग्रुप, या बी वाला डोमिनेंट होता ए के ऊपर तो बी आता, यही तो होता रहा है। तो यहां पर ए भी दोनों तो एक कोडोमिनेंस को शो कर रहा है। अब इसका भी तो सेल्फिंग करा दो। हाँ बेटा, आप जानते हैं दो टाइप के गैमेट बन जाएंगे बेटा, है ना। और जब हम इसका वो बना देंगे पुनेट स्क्वायर, जाओ देखिए, तो कैसे कैसे बच्चे आए, एक ए ब्लड ग्रुप वाला, दो ए बी वाले और एक बी वाला। यानी जो हमारा फिनोटाइप और जो बेटा जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप भी है ना, आप देख पा रहे हैं, एक ए स्टार से बना दें ऐसे, एक ही ऐसे, ये टिक बना दो ऐसे, वन टू, क्लियर। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 आ गया, बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह आया, है ना। लेकिन मैंने बताया था, फिर से बात कर रहा हूं मैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह तो आया, लेकिन विजय अंतर क्या है बेटा, वहां से डिफरेंस क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह तो रेशियो आ गया 1:2:1, लेकिन डिफरेंस क्या बताया था मैंने, उसमें तो इंटरमीडिएट स्टेज आ गई थी, और इसमें दोनों आए, दोनों इक्वली आए, दोनों पूरे पूरे आए, पूरा पूरे आए। ऐसा तो नहीं है कि ए में कुछ घटबट गया हो, बी भी पूरा आया, ए भी पूरा आया ऑर्गेनिज्म में। वहां पर तो मिक्सिंग हो रही थी ना, बाद में बताया ना, यहाँ पे देखो तुम भूल गए, शुरू में ही बताया था नो मिक्सिंग या ब्लेंडिंग। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका, ए भी ब्लड ग्रुप। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो तुम्हें, रोन कोट कलर इन कैटल, ब्लैक कैटल, ये व्हाइट कैटल, देखो मैंने इसको डब्लू ले लिया। चक्कर क्या, स्मॉल बी भी ले सकता था मैं, लेकिन चक्कर क्या, यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट रिसेसिव तो होता ही नहीं है ना, तो उसको बेचारे को क्यों लो स्मॉल में। तो एक व्हाइट कलर की कैटल है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है। इनके जो बच्चे आए ना F1 वाले, वो आए रोन कोट वाले। रोन का मतलब पता है क्या होता है, चितकबरा हिंदी में, यानी कि पता है रोन कैसे है, देखो इधर सुन लो पहले,
रोन कोट कलर का मतलब क्या है? चितकबरा, यानी जैसे व्हाइट बैकग्राउंड है उसके ऊपर काले काले स्पॉट ब्लैक, या ब्लैक बैकग्राउंड है उसपे व्हाइट स्पॉट, कहने का मतलब यह व्हाइट और ब्लैक ना, व्हाइट ब्लैक कैसे पेचिज में आई, पेचिज और ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन वो मिक्सिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि व्हाइट और ब्लैक मिलके ग्रे हो गया, नहीं, ब्लैक जो पैचेज हैं वो प्योर ब्लैक हैं और जो व्हाइट वाले पैचेज हैं वो प्योर व्हाइट हैं, धब्बे धब्बे धब्बे, समझ गए ना बात को? तो दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस किए ना, कोई मिक्सिंग तो नहीं हुई। मैं लिख देता हूं पैचेज ऑफ प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट, ठीक है। और फिर F2 भी दिखा देता हूं, देख लो, 1:2:1 सीधे लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ब्लैक रून व्हाइट, ये तुम्हारी हुआ है अटेंडेंस के, कर लो पास कर ले दूसरे को। कोडोमिनेंस के बारे में समझ गए ना बेटा? जी आज तो धूप अच्छी आई है, कल हवा कितनी चल रही थी, ओले पड़ गए थे। अच्छा, चलो हमारी तरफ नहीं पड़े, कोट रोड बहुत पड़े, कोट रोड ओले पड़ गए थे किसी किसी जगह से तो नहीं, तभी, क्योंकि कल मैसेज आया था एक जो हम कॉलेज आगे हैं। अच्छा, तो फसलों को नुकसान हुआ होगा, पता है मैं कॉलेज में था तो मुझे मैसेज आया मोबाइल पे, आ जाता ना वही एक अलर्ट कि सहारनपुर में अगले 3 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, भारी बारिश, लेकिन बारिश तो खैर ऐसे नहीं आई थी, नहीं सर, दिन में इतनी टाइम नहीं आई थी, एक बार रात में आई थी, रात में ओले पड़े थे। हाँ, दिन में पड़े हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ तो वैसे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती रही थी इसके बारे कभी में कभी, और हवा चलती रही थी तेज ठंड ठंडी। रात की गई लाइट कल आई 9 बजे, ये तो हो जाता है क्योंकि तार वार टूट जाते हैं ना फिर वो। आस पास में हो गया था हमारे यहाँ पे, दूसरे ला के लगाया वो भी मुझे लगा थी, अभी जल्दी आ गई भाई, 1-2 दिन में, ये तो ट्रांसफार्मर उड़ने पर तो कई कई दिन लग गए। 3 दिन आई थी पहले, हो गया बेटा। अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ये देखो हमने पोर्शन पोर्शन ऐसे डिवाइड कर दिया ना बोर्ड का यूटिलाइजेशन करने के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता देता हूं, देखो NCERT में अपनी में जाओ और जरा उस पेज पे जाओ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत दिक्कत करेगी समझने में, नहीं तो बात कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस करके होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जस्ट नीचे, मिल गया बेटा।
यही है. हाँ हाँ है. हाँ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस मिल गया ना. ये एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पार्ट नहीं है. हाँ ये अलग से है और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. आ जाओ चलो. तो पता है देखो पेज नंबर बता दो इनको. 76 है. हाँ तो बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात. पता है ये बात ये आती है कि आखिर ये जो एलील होते हैं ना ये फॉर्म आती कहां से है. ये एलील कहां से आ गए. एलील कहां से आ गए. कोई जीन होता है तो जीन की फॉर्म कहां से आ गई है. देख इधर पीछे जा आगे. ये इधर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस लिखा होगा यहीं पे. हाँ तेरे हाथ के ऊपर कोई डार्क में. हाँ हाँ है ना. देखो पहले तुम एक बार रीड करके देखो इसको. सभी बच्चे अपने आप चुपचाप रीड करके देखो फिर मैं बताता हूँ. फिर तुम्हें समझ क्योंकि इतने आसानी से समझ में नहीं आ सकता. मैं बता रहा हूँ तुम्हें. वो तो मुझे याद आ गया नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाता ना लोग बाग क्योंकि इसको ध्यान नहीं देते. देखा पढ़ के. बेटा कंफ्यूजिंग है ना काफी. एनसीईआरटी है. आगे तक पैराग्राफ पढ़ना था वो अगले पेज पे. हाँ पूरा है वहीं पे तो कंप्लीट है वो. हाँ चलो अब सुनो मेरी बात. यानी सिंपल शब्दों में अब सुन लो कि देखिए होता क्या है. आप देखते हैं कि कोई भी जैसे एलील है ना जैसे आपको पता है एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है ना. और जीन कौन सा था. टी जीन हमने बोला था ना टॉल का राइट का जैसे जीन का टॉल उसके ये दो एलील फॉर्म थे. तो सभी दिमाग में ये नहीं बात आई कि ये कैसे एलीलिक फॉर्म कहां से आ गई. जब हम बोल रहे हैं कि जीन ही एलील है तो वे दो फॉर्म में या ब्लड ग्रुप में तो तीन तीन फॉर्म में रहेगा. बताऊंगा आगे कैसे रहता है कहां से फॉर्म आ गई. तो ध्यान से सुनो. एक्चुअल में शुरुआत में रियलिटी में ना जैसे कोई भी जीन होता है उसकी एक ही फॉर्म होती है स्टार्टिंग में. वो उसकी रियल फॉर्म होती है डोमिनेंट फॉर्म ही होती है वो. मतलब अब पता है जैसे आप जानते हो कि टॉल होने के लिए कैपिटल टी होता है तो टॉल होता है ना. यानी कि टॉल होने के लिए कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कोई कंपाउंड बनता होगा. कोई भी कंपाउंड एंजाइम बनता होगा ना कि जो उस रिएक्शन को कराता होगा जैसे कि टॉल हो जाता है.
है ना। और जब वो नहीं बन पाता, जब वो कंपाउंड या इंजन नहीं बन पाता तो वो ड्वार्फ रह जाता है। तो हम बोल देते हैं कि भाई इस बार अब कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी फॉर्म है इसकी, ये तो कैसे बन गई, कैसे नहीं हो पाया। ये सारी जो फॉर्म क्रिएट होती है ना, जो ओरिजिनल शुरू में था जीन, उसकी जो फॉर्म क्रिएट हुई है एलील्स, ये म्यूटेशन से हुई। किससे हुई? म्यूटेशन, जो अचानक से हो जाते हैं ना और जीन में चेंज ला जाते हैं, या मतलब है ना उसके करेक्टर में। तो पता है म्यूटेशन होने की वजह से या कोई जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से, अब वो जो जीन है वो मॉडिफाइड हो गया। क्या हो गया? मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड होके वो तीन तरीके हैं उसके, मॉडिफाई होके क्या कर सकता है कि देखो जो पहले नॉर्मल एंजाइम बनना था ना प्रॉपर, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो तीन पॉइंट देखेंगे आप, लिखे हुए ना पॉइंट 1 2 3। हाँ, एक तो है या तो लेस एफिशिएंट, मतलब लेस सफिशिएंट एंजाइम बने, है ना बेटा। नॉर्मल देखो चेंज इतना बड़ा आया, ध्यान सुनना मेरी बात, उसमें चेंज तो आया लेकिन चेंज इतू सा आया, इतू सा मतलब बहुत कम, कि या तो लगभग नॉर्मली बनना है एंजाइम या फिर लेस सफिशिएंट बनना है। लेकिन काम चल रहा है, काम फिर भी चल रहा है, फिर भी वो टॉल ही बना रहा है। अच्छा, मतलब चेंज तो आया लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। जैसे है ना, आप जानते हो ना कि थोड़ा बहुत सा सर सा दर्द सा है, आप कह रहे हो नहीं कोई बात नहीं तो हम क्लास व्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक होता तेज दर्द हो गया आप नहीं ले पाओ क्लास, तो कंडीशन है। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि एंजाइम बना तो सही लेकिन नॉन फंक्शनल बना, जब नॉन फंक्शनल बनेगा तो फिर वो जिस रिएक्शन को कैटेलाइज कर पा रहा था या है ना प्रोडक्ट बना रहा था नहीं बन पाएगा, तो प्रॉब्लम हो गई है। तो या फिर मतलब एंजाइम बनेगा ही नहीं, या तो नॉन फंक्शनल बनेगा और तीसरा बनेगा ही नहीं एंजाइम, नो एंजाइम एट ऑल। तो ये तो दोनों का ध्यान सुनना मेरी बात, तीनों फॉर्म में मॉडिफिकेशन तो हुआ था लेकिन जो पहली वाली कंडीशन थी जिसमें एंजाइम लगभग उतना ही सफिशिएंट मतलब बनना था या इनसफिशिएंट बनना था, उसको हम अनमॉडिफाइड की तरह ही मानेंगे, ऐसे मानेंगे जैसे कोई चेंज हुआ ही नहीं है। समझे मेरी बात को? क्योंकि जब टॉल हमें चाहिए था, टॉल ही बनना है तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो बाकी के जो दो कंडीशन है आगे की सेकेंड और थर्ड, उनमें वो मॉडिफाइड एलील को हम रिसेसिव एलील की तरह काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? वही तो रिसेसिव एलील है, क्योंकि वो अब जो हम चाहते हैं वो डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, या जो करेक्टर हम चाहते हैं वो करेक्टर नहीं आ पाएगा। अब टॉल नहीं आ पाएगा, सपोज करो टॉल लेके चल रहे हम जैसे टॉल ड्वार्फ, तो टॉल नहीं आ पाएगा, अब ड्वार्फ आ जाएगा जो आप नहीं चाहते थे। मेरे पास खोपड़िया माई तुम्हारी नहीं आई, तो ये देख लिया होगा आपने, उसमें भी लास्ट में लिखा हुआ है ना कि पहले वाले केस को हम अनमॉडिफाइड की तरह ही मान रहे हैं, लेकिन आगे के जो दो केस हैं वो मॉडिफाइड हैं और वो ही रिसेसिव एलील की तरह काउंट हो रहे हैं, और पहला वाला नॉर्मल एलील की तरह काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है का एक्सप्लेनेशन है, या हम बोले कि जो आपकी एलील की जो फॉर्म बनती है उन सबका एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे ये दिमाग में रखो, म्यूटेशन से बन जाती है, नहीं भी लिखा हो तो याद रखनी। खैर, अब मैं बात कर रहा था डाइहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए जो मिनिमम कंडीशन है, जो कम से कम जरूरत है, वो है डायहाइब्रिड क्रॉस की। बेटा दो है ना हमें लेने पड़ेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस लेना पड़ेगा या टू जीन इनहेरिटेंस लेनी पड़ेगी। याद है ना आपको, मैंने कहा था कि जब एक जीन की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या एक करेक्टर की स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड, और डायहाइब्रिड में कम से कम मतलब कम से कम छोड़ो डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब दो करेक्टर की स्टडी या दो जीन की इनहेरिटेंस की स्टडी,
वेरिएंट्स में, ठीक है। तो जैसे जो था ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यहां भी एप्लीकेबल होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके लिए मिनिमम कंडीशन केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस थी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम वाला, है ना, ये दोनों के दोनों डायहाइब्रिड क्रॉस में भी वैलिड है, ट्राईहाइब्रिड में वैलिड है, हर जगह वैलिड है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की थी। मेरे बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहा हूँ तुम्हें, तो इसका मतलब ये मत सोचना क्वेश्चन अगर कल को आए कि केवल ये डायहाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन होता, नहीं, ड्राईहाइब्रिड या उसके ऊपर कोई भी मोनोहाइब्रिड से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए कम से कम दो कैरेक्टर चाहिए, कम से कम, ज्यादा कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे नहीं समझे भाई? हम कहें कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो टीचर को पढ़ाने के लिए एक स्टूडेंट तो बैठा हुआ होना चाहिए रियलिटी में, तभी तो ये बात होगी, है ना, स्टूडेंट टीचर को पढ़ा रहा है, चाहे ऑनलाइन में जा रहा हो या ऑफलाइन में हो, सामने बैठे तो हो कोई ना कोई हो, अब एक हो या पचास हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है ना। तो ऐसे ही मैं ये बोल रहा हूं कि कम से कम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में पता है क्या रट्टाफिकेशन होता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस और प्रभाविता का नियम और वो पृथक्करण वाला नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नहीं, वो उनके लिए मिनिमम कंडीशन है भाई, ठीक है। मैं तीन भी ले लूंगा यहाँ पे करेक्टर, तब भी चार तब भी चलेगा वो, लेकिन क्यों ले हम क्या पगला गए हैं भाई? जो हमारा काम डायहाइब्रिड से चल रहा है, 16 वाले बना के उससे बॉक्स से, तो हम क्यों बनाएंगे भाई 64 और इतने 216? खैर 216 क्यों, 64 × 4 करेंगे तो 64 × 4 256 आएगा, 256 आएगा। तो पता है अगर चार करेक्टर ले लें तो ध्यान से सुने, हिंदी में बता देता हूं पहले, है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम है हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको मैं पहले एक्सप्लेन हिंदी में कर देता हूं फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। तो देखो, जब हम पेरेंट्स में, क्रॉस कराते समय दो या दो से ज्यादा करेक्टर्स लेते हैं, या हमें से बोले जब हम पेरेंट्स में क्रॉस कराते हुए, पेरेंट्स हमेशा होमोजाइगस लेते हैं उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, जब हम पेरेंट्स में क्रॉस कराते समय दो या दो से ज्यादा करेक्टर्स की स्टडी करते हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, तब क्या होता है, एक करेक्टर की इनहेरिटेंस, मतलब अब बिल्कुल शुद्ध हिंदी मतलब समझ गए ना तू, एक करेक्टर की इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगति, एक करेक्टर की जो इनहेरिटेंस है, वंशानुगति है, वो दूसरे करेक्टर्स की वंशानुगति पे या इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं करती, ये है, तभी तो इंडिपेंडेंट है ना। अगर हमने, देखो ध्यान सुनो, पेरेंट लिया करेक्टर कैसा, एक पेरेंट में करेक्टर लिया येलो, है ना, और दूसरे वाले में उस करेक्टर का एस्पेक्ट लिया येलो सीड, दूसरे में ग्रीन सीड, ठीक है, पीले और हरे, और दूसरा करेक्टर लिया हमने, ये तो एक करेक्टर के ही दो एस्पेक्ट हुए, दूसरा करेक्टर लिया राउंड सीड और रिंकल्ड बेटा, है ना, राउंड मतलब आप जानते हो ना, राउंड शेप के और एक पिचके हुए सीड। तो देखिए, येलो वाले करेक्टर का ग्रीन वाला जो उसका ट्रेट है ना, उसके साथ तो लेना देना है, येलो और ग्रीन तो एक दूसरे पर डोमिनेंट रिसेसिव मामला शो करेंगे, और येलो के सामने आप जानते हो ग्रीन वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर येलो के साथ में ग्रीन आ गया तो। राउंड वाले का मतलब रिंकल्ड वाले से है, ये बात सही है, लेकिन येलो वाले का मतलब राउंड या रिंकल्ड से नहीं है, ग्रीन वाले का मतलब राउंड या रिंकल्ड से नहीं है, क्योंकि वो अलग करेक्टर है, वो अलग जीन है भैया, नहीं समझे? येलो जो येलो है ना, येलो सीड, वो राउंड के साथ भी आ सकते हैं
रिंकल्ड के साथ भी आ सकती है, ग्रीन राउंड के साथ भी आ सकता है, रिंकल्ड के साथ भी आ सकता है। तभी तो चार तरीके के बच्चे आए थे ना यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं, पेरेंट्स में अगर हमने येलो राउंड लिया और एक पेरेंट में ग्रीन रिंकल्ड लिया तो वो हमेशा एक ऐसे ही आएंगे, है ना, कि कोई बांध दिए एक दूसरे के साथ कि येलो के साथ राउंड ही आएगा। ना, ऐसा नहीं है। वो दोनों जीन एक दूसरे की इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करते। बात खुपड़िया में आई नहीं आई? ठीक है, ये हाथ एक ही हाथ की पांच उंगली है, है ना, मैं ऐसे मुट्ठी बंद कर रहा हूं, है ना, तो उंगलियां ही सारी बंद हो रही, मुट्ठी अगर बनाऊंगा तुम इस वाले हाथ की, ये मुट्ठी बंद करूंगा तो ये है, लेकिन जब ये मुट्ठी बंद करूंगा तो ये थोड़ी बंद होंगी, क्योंकि ये तो अलग अलग हाथ हैं भैया। मैं चाहूंगा तो होंगे ना, यानी ये हो रहा है तो ये अपने आप नहीं होगा, हो रहा अपने आप नहीं हो रहा, है ना, और ये ऐसे करोगे आप तो सारी होंगी होंगी। अब वो आप जान पूछ के, वो तो बात अलग है, आपकी तो क्योंकि ह्यूमन है ना, है ना, कि आप कहेंगे नहीं हम तो बस इसको बंद करेंगे। ऐसे नहीं बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक हाथ की ही तो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, ऐसे एक करेक्टर के दो आस्पेक्ट, दो ट्रेट, वही जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टॉल ड्वार, उनका आपस में मतलब है, दूसरे जीन के साथ उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो खुपड़िया बात आ गई अच्छे से। और इंग्लिश में अगर हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर ट्रेट्स रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अदर जीन या अदर करेक्टर या अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स। क्लियर? ये शॉर्ट में है डेफिनेशन। लिखूं क्या, लिखूं क्या एक लाइन बताओ, चाहो तो लिखूं दो लाइन, लिख देता हूं। इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर या जीन, वन जीन ब्रैकेट में वन करेक्टर कर देता हूं, बस ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब चलिए करेक्टर ले लेते हैं भाई पेरेंट्स में। तो हमने लिया वाई वाई आर आर, एक पेरेंट ये लिया, ठीक है साहब, वाई वाई आर आर। अरे बच्चों, और देखो कितने 250 ग्राम के हैं, फिर भी मतलब वाई वाई आर आर, तो ये कैसा करेक्टर हो गया, कैसा हो गया पेरेंट ये, है ना, करेक्टर बताओ इसके। येलो रेड, रेड इतनी पिटाई लगाऊंगा, राउंड है, राउंड येलो, येलो सीड्स, येलो एंड राउंड सीड्स, ठीक है बेटा। ये सीड का ही करेक्टर लिया हमने, येलो और राउंड, ठीक, और क्रॉस विद स्मॉल वाई स्मॉल आर आर, ये हैं ग्रीन एंड रिंकल्ड। ग्रीन एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब पिचके हुए, ठीक है, और एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ दिखाए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने वो सीड येलो को तो येलो दिखाया है और उसको कलर भी दिखाया है, है ना, कितना बेहतरीन कलरफुल डायग्राम देख ली। लेकिन पढ़ना तो बच्चों को पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, लेकिन अब उसको भी नहीं, बस देख के खुश हो जाते हैं, हाँ कलरफुल डायग्राम है, अच्छा है, ठीक है,
देखो कौन कौन से कलर है, पीला है, हरा है, अरे उसको समझना भी है, पिंक भी है उसमें, है ना, ग्रीन सा भी है, ठीक है। हाँ है, पर्पल भी है थोड़ा सा। तो सुनो, तो इनके गैमेट कौन से बनेंगे, कौन सा गैमेट बनेंगे इसके, कौन कौन से, येलो राउंड बावली गैमेट कौन से बनेंगे, तो करेक्टर येलो राउंड, इसके गैमेट क्या लिखूं मैं बताओ। आर वाई, वाई आ रहे हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो मैंने वाई आर लिखा है। कैपिटल वाई आर, एक ही गैमेट बनेगा बस, नहीं बनेंगे तो दो, लेकिन सेम ही है तो एक ही दे। क्यों, एक ही टाइप का क्यों होगा, नहीं सर बस सेम ही होंगे ना, क्यों वाई आर टाइप। क्यों सेम क्यों होंगे, सेम क्यों होंगे, ये कह रही है कि यहाँ पे बनेंगे वैसे कितने लेंगे, एक ही टाइप के बनेंगे सर, कैप्टर वाई कैप्टर आर। हाँ तो फिर ये बात बोलो ना बेटा, क्योंकि आप बोलोगे क्योंकि सर होम हो जाएगा से, बताया नहीं था कल हमने समझाया था, तो सही बोल रही है एकदम बच्ची, कैपिटल वाई कैपिटल आर गैमेट ही बनेंगे बस, इसके एक ही टाइप के, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 आ गया हमारा, तो सारे के सारे पता है कैसे हो गए, येलो राउंड। येलो राउंड हो गए सारे, है ना बेटा, ऑल येलो राउंड, क्योंकि वाई डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर और आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, ठीक है। अब जैसा कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी तो टॉल हो जाते थे, लेकिन वो छुपता नहीं था, वो करेक्टर छुपता नहीं था टॉल ड्वार्फ वाला, आगे जनरेशन में तो आता था ऐसे, यहां पर ये जो दोनों है ना जो ग्रीन और रिंकल्ड हैं वो छुपेंगे नहीं, मतलब अभी तो छुप गए, लेकिन अगली जनरेशन में वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। अब इसकी सेल्फिंग कराते हैं साहब, तो जब सेल्फिंग होगी इसकी, सेल्फिंग ऑफ F1 है ना बेटा, तो आप ये बताइए इनके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, तो कितने गैमेट बनेंगे, हैं क्यों फोर क्यों बनेंगे, फोर क्यों बनेंगे, अब नहीं क्यों बनेंगे, क्यों फिर से वही वाली बात है, क्यों बनेंगे, क्योंकि ये डाइहाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस तो मोनोहाइब्रिड भी होता है, ये डाइहाइब्रिड है भाई, दो नहीं है इसमें, दो पेयर हेटेरोजाइगस, अगर देखो घर जाके नहीं पढ़ोगे तो फिर टोटली सफाया हो जाएगा भाई, आपको दिख रहे हैं ना कि दो पेयर हैं, ऐसे हेटेरोजाइगस तो कैपिटल टी स्मॉल टी उसके भी चार बनने चाहिए, क्योंकि मैंने उसके चार, क्योंकि वो मोनोहाइब्रिड था, ये डाइहाइब्रिड है भाई, बता था ना कल कि जब दो हेटेरोजाइगस पेयर होते हैं, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक गैमेट, कैपिटल वाई स्मॉल आर दूसरा गैमेट, स्मॉल वाई कैपिटल आर तीसरा गैमेट, स्मॉल वाई स्मॉल आर चौथा गैमेट, है ना, ये बच्ची सही बोल रही थी कि चार गैमेटे बन जाएंगे ऐसे ऐसे, अब चार इसके बनाओगे, है ना, कॉपी निकालो अपने, रफ कॉपी कुछ भी निकालो, जल्दी से बनाओ एनसीईआरटी वहां पे, वो डाल दो पेंसिल वहां, मतलब उसे पेज को वो करो, उस पेज को कोई नहीं निकालेगा एनसीईआरटी वाले को, इस पेज को हटा दे जो बना हुआ है, बस बंद करो एनसीईआरटी बंद कर दो, और इसके चार चार गैमेट समझ लो ना आप, एक इधर रखना उधर रखना, पॉइंट स्कोर बनाओ, हिलोट्रॉपी और मल्टीपल एलिज्म भी कराता हूँ,
ये लड़की बना नहीं रही, क्या कर रही है? जब तू बना पहले, नहीं छूट रहा, मैं उधर का नहीं मिटा रहा अभी। अपने आप देखो, अपने हाथ से, अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे तो है ना, अपने हाथ से आना चाहिए ना, प्रैक्टिस करो। हाँ तू कहाँ कहाँ है, क्यों बना रही? और उनको नाम भी रखने हैं, मुझे दिखाना है। शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हो नाम, बेसक है ना, जैसे राउंड एल होगा कोई तो आर ओ यू लिख दो, वाई ई एल लिख दो। विजय कर रहा है, तो वही बना रहा है। काफी काम तो मैंने तुम्हारा कर ही दिया। देखो आगे को मैं तुम्हें गैमेट भी बनवा के देखूंगा कि गैमेट बना बना के दिखाओ। इसमें इन्होंने पीछे वाले ने कर दिए साइन के, दे दो उनके। जीनोटाइप मत लिखो, फिनोटाइप फिनोटाइप लिख दो बस। ये क्या कर रही है, ऐसे क्रॉस होता है, पागल हो गए हो? ये तूने क्यों किए थे इतने जो क्रॉस क्रॉस बना के?
देख लो क्या हालत है इंडिपेंडेंस सेटलमेंट वाला भी, और उसमें क्रॉस क्रॉस बना बना के लगे पड़े हैं लोग बाग। बना लिया रे विजय, देखा कहाँ देखा, ये क्या बनाया है? ये ऐसा ऐसा पुनेट स्क्वायर बना लिया। अब डिब्बा ऐसा डिब्बा बनना होता ना F2 में जो दिखाया था, देखा बेटा सही बनाया हुआ फिर तूने। देख लिए सब मैच कर लिए, सही है। सही है सही है एकदम। लो चलो भैया बना ही देता हूँ, तुम लोगों भरोसे रहना बेकार। अगर तुम ये नहीं बना सकते हो बेटा तो फिर बताओ कैसा काम चलेगा तुम्हारा। ये सब यहाँ पे गैमेट चार बना तो दिए थे, दिखा तो दिए थे ये चारों गैमेट, तो उनके क्रॉसिंग क्रॉसिंग करने पे लगे हुए हैं बेवकूफ बच्चे। देखिए इस टाइप से चार चार गैमेट रखे जाते हैं। देखो एनसीईआरटी में खोल लो उसको, एनसीईआरटी में वो खोल लो। कोई बोर्ड में तो नहीं है तुम में से कोई 12th में? तो नहीं तो 12th में भी पास नहीं हो पाओगे अगर ये आ गया 12th में तो। देखिए जब इनका दोनों गैमेट को ऐसे रखेंगे कॉम्बिनेशन ही आएगा। चाहे एक रखने का तरीका ये नहीं है कि YR रख दो फिर पीछे वाला YR रख दो, वाई वाई एक साथ रखा जाता है और आर आर एक साथ रखा जाता है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देख देख के बस इनका क्रॉस कराना। देखो अब इस बार इसका कराना, इसका इसका है ना, यहां रखेंगे वो हम कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये देख लें ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और ये देखो अगर किसी को डाउट हो फिर से देख लो, इसका इसके साथ में यहां आएगा, इसका इसके साथ में यहां आएगा, इसका इसके साथ में ऐसे यहां आएगा, इसका इसके साथ में यहां आएगा, समझे? ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, लिखा जाता है ऐसे। तो बड़ा मतलब मुझे निराशा साबित हो गई, मतलब हाथ लगी क्लास में बच्चों से इनसे। तो बेटा अब सोचिए, देख लो कितने बेसिक बेसिक से बताता आ रहा हूं, एकदम बेस से मैं कितना सिंपलीफाइड। नहीं तो इस लेवल पे तो हम ये बना बना के भी नहीं दिखाते। अब ये कैसा हो गया,
कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, येलो येलो राउंड। और येलो राउंड देखो जब कैसे दिखाने में भी ऐसा होता है जैसे स्मॉल वाई कैपिटल वाई नहीं लिखते, पहले कैपिटल को लिखते हैं फिर स्मॉल को लिखते हैं, ये तरीके होते हैं। तो ये येलो राउंड हो गया, ये वाला भी येलो राउंड हो गया है ना, जे वाला भी येलो राउंड हो गया, नेक्स्ट ये वाला भी येलो राउंड हो गया, क्योंकि तुम जानते हो येलो राउंड होने के लिए तो केवल एक वाई चाहिए कम से कम और एक आर चाहिए, बस दोनों हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं, ये भी येलो राउंड हो गया, ये भी येलो राउंड हो गया, ये भी येलो राउंड हो गया है ना। यस सर। ये भी येलो राउंड हो गया, ये भी येलो राउंड हो गया, ये देखो। तो गौर से देखो, मेरे पास दूसरे कलर का चौक नहीं है, ये ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया, देखो अब तो ये बना लोगे अगर मैं लाइन में खींच दूं तो, ऐसा तो नहीं है, देख तो लिया ना कि इसमें भी कोई 5th 6th क्लास के बच्चे की तरह कह दोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये थोड़ा सा इधर आ गया है, तो समझ लो ना यहां से थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था, समझ गए। यानी इसमें होके जा रहा है ना, ये ट्राइंगल बन गया एक पूरा जो कि सारे एक जैसे आए हैं, 9 है टोटल, येलो राउंड 9 है। फेनोटाइप रेशियो, येलो राउंड इक्वल टू 9, ठीक है। अब येलो येलो रिंकल्ड देख लेते हैं, ठीक है, यानी येलो रिंकल्ड देखने के लिए हमें कैपिटल वाई एक भी चलेगा लेकिन आर स्मॉल स्मॉल होने चाहिए, रिसेसिव करेक्टर है। तो एक तो ये हो गया ये वाला, ये एक ये हो गया, यस सर, एक ये हो गया, यस सर, ये भी इस टाइप का सा वो है ट्राइंगल है ना, इनको ऐसे ऐसे करके लाइन खींच सकते हैं ना, ये वाला समझ गए ना, एक दूसरे से इन तीनों लाइनों को मिला सकते हैं ये। हाँ बेशक कोई बात नहीं, वो तो ओवरलैप होते हैं, ट्राइंगल में ट्राइंगल, बड़े वाले में छोटे ट्राइंगल है, देखो ये तो कलर नहीं है दूसरा नहीं, तो तीन है, ये कितने हैं, तीन। अब आते हैं ग्रीन पर, ग्रीन और राउंड गिन लेते हैं। तो ग्रीन राउंड के लिए आप जानते हैं ग्रीन के लिए क्या होना चाहिए, ग्रीन के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई होना चाहिए या स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, बिल्कुल ठीक है। अभी बहुत से बच्चे तो ये करें, वो ये सोच रही है कि कैसे हो गया ग्रीन, कैसे हो गया स्मॉल वाई स्मॉल वाई, है ना। तो बेटा ये स्मॉल वाई देखना है, और राउंड के लिए क्या देखना है, कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए ये है ना, स्टार बना देता हूं, इन स्टार्स को जोड़ दीजिए, देखो ये बड़ा है ट्राइंगल, छोटा और छोटा है ना, कितनी अच्छी डिजाइन बन जाती है। तो ये तीन, और अब बच्चा एक ही, उसको कोई सिंबल देने की जरूरत नहीं है, कोने में एक ही है, ग्रीन रिंकल्ड वन, समझ रहे हो ना आप। तो रेशियो हो गया 9:3:3:1, ये F2 ऑफ स्प्रिंग का फिनोटिपिक रेशियो आ गया, किसी को दिक्कत। अच्छा एक और चीज है, देखो हमेशा ध्यान रखने की,
जैसे ये डायगोनल है ना, एक डायगोनल पूरा, ये चारों डायहेब्रिड आ रहे हैं गौर से देखो, चारों ऐसे आ रहे हैं जिनमें डायहाइब्रिड कंडीशन है, दो हेटेरोजाइगस भी आ रहे हैं देखो चारों, ये ऐसे ये वाले जो चारों है ना, ये इधर वाले डायगोनल, ये ऐसे आ रहे हैं चारों जो प्योर होमोजाइगस है। कैसे हैं ये वाले? प्योर प्योर होमोजाइगस, हेमीजाइगस नहीं, होमोजाइगस है ना, कोई भी उसमें हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है। तो ये भी सब समझ में आ जाता है, देख लो। अच्छा इसमें देखना, ये हुआ, ये हुआ है ना बेटा, ये हुआ, ये हुआ, इनमें एक एक कैसे हैं, एक एक हेटेरोजाइगस पेयर है, तो मोनोहाइब्रिड है। यानी सब कुछ इससे, इस बॉक्स से, इस बड़े वाले प्लैनेट स्क्वायर से हमें इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं कि पूरा का पूरा कौन कैसे कैसे आ रहा है। एक या एनसीईआरटी में ऐसे आएंगे, वो एनसीईआरटी में तिरछा बनाया ना वो पुनेट स्क्वायर, तो देखो उसमें एक ये डायहाइब्रिड ऐसे आएंगे और एक ये होमोजाइगस ऐसे आएंगे, यहां पर ये ऐसे ऐसे हैं डायगोनल फॉर्म में। ये पता चल रहा है होमोजाइगस है और डायहाइब्रिड है, क्लियर? आप देखिए एक बात और है, ये 933 बनाया ना, कैसा आया? इसमें ये बताओ तुम मुझे, 9331 में जो पेरेंट आपने स्टार्टिंग में लिए थे पेरेंट है ना, वो पेरेंट जैसे बच्चे कितने आए? 9 आए और एक भी तो आया वो ग्रीन एंकल, तो 10 आए ना टोटल। तो इसको हमें इस तरीके से बोलते हैं, पेरेंटल्स रेशियो रिकॉम्बिनेंट्स। नए जो करेक्टर आए, एक बताओ क्या पेरेंट में एक साथ में येलो और रिंकल्ड था? क्या पेरेंट में ग्रीन के साथ राउंड था? नहीं था ना किसी पेरेंट में, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट मतलब नए करेक्टर आना, जो मियोसिस की वजह से आए या क्रॉसिंग ओवर की वजह से आए हैं इस दौरान, समझे? नहीं तो अगर जैसे माँ बाप थे बस दो ही टाइप के बच्चे आते, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो, यहां तो चार तरीके का आ रहे हैं ना, तो इनका क्या रेशियो है? तो हम यहां बोलेंगे 10:6, क्योंकि ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, और ये दो आए हैं जो ये रिकॉम्बिनेंट है। कैसे बेटा ये रिकॉम्बिनेंट है, इसका मतलब ये हो गया। और हम यहां लिख दें 5:3 रेशियो है ना, यही लिखते हैं, ये रेशियो है जो क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव कि पेरेंटल्स और रिकॉम्बिनेंट्स का क्या रेशियो होता है डायहाइब्रिड एफ टू डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस के एफ टू कॉम्बिनेशन, क्लियर है? Yes, sir. आप अगर इसके, हाँ मैं ये बात बता रहा था कि पता है ये 9331 जो आ गया है, आप ऐसे भी बिना कुछ करे हवा में भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि आपको मोनोहाइब्रिड का रेशियो पता है, नहीं फिनोटाइप रेशियो क्या है, अरे देखना पड़ेगा, 3:1 नहीं है, फिनोटाइप रेशियो नंबर एक, मोनोहाइब्रिड का क्या था, मोनोहाइब्रिड एफ टू और लिख देता हूं ब्रैकेट में, मतलब ये फिनोटाइपिक रेशियो किसकी बात करें, एफ टू की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था 3:1, क्लियर? डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस 3:1 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, मतलब तब भी वही आएगा, आप चेक कर सकते हो 3:1, इसका मतलब ये हुआ
कि 3:1 में गुणा कर दिया आपने 3:1 से, नहीं समझे? तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, इनको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह मानो। जैसे येलो, यहां देखो कितने येलो आए इनमें, इनमें देखो पेरेंट में कितने येलो आए, येलो 12 आए, राइट है ना, 12 येलो दिख रहे हैं ना, 12 नहीं येलो दिख रहे। और ग्रीन कितने दिख रहे हैं, 4, ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, 4 नहीं हो गए? तो येलो और ग्रीन का जो आपस में रेशियो है वो 12 और 4 का, यानी 3:1 नहीं आया? 12 को 4 से डिवाइड कर दो। और तुम देखो राउंड कितने हैं, 12, और रिंकल्ड कितने हैं, 4, तो उसका भी रेशियो 3:1 नहीं आया। तो इंडिविजुअली दोनों अलग अलग करेक्टर का भी रेशियो 3:1 आता है, तो रूल है, इसी वजह से तो 9:3:3:1 आया है। जब अब देख यहां भी देखो, मतलब वो कर देते हैं हम इनको मल्टीप्लाई बेटा, तो देखना 3 का पहले लो, बिल्कुल बेसिक 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं गुणा, कितना आता है, आती है ना टेबल 3 की, तो 3 3 9, 3 का 1 में कर रहा हूं मैं 3, 1 का 3 में कर रहा हूं मैं 1 का 1 में, ये आ गया रेशियो, समझ गए? ट्राई हाइब्रिड तक पता होना चाहिए आपको रेशियो। अब लिखोगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए पता है क्या करोगे, 3:1 का क्यूब, क्या कर दोगे, 3:1 का क्यूब, या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं हम कि 9:3:3:1 लिख दें, क्या लिख दें, और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दें, 1:3:1 का, ये भी तो वही बात हुई या नहीं हुई, बताओ मुझे तुम, समझ गए नहीं समझे? अरे 2 के बराबर तो ये हो गया अकेला, एक और 3:1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर? चलो यहां लिख देता हूं उसको मैं ऊपर, ये इसमें इकट्ठा होता रहता है बस, ये नहीं, ये झड़ता नहीं है एक्चुअली, तो बोर्ड गंदा होता रहता है। अब यहीं पे क्लास में झाड़ेंगे तो सब तुम्हारे ऊपर आएगा, ये फोड़ लग जाएंगे, तो ये साफ होना चाहिए, तो वो ग्रीन की जगह व्हाइट होता रहा है बोर्ड। देखा, अच्छा आप कितना अच्छा साफ किया इसमें, है ना? सर हमें ना 2-3 टीचर, मैंने 2-3 टीचर से पढ़ा डाई हाइब्रिड का, पर किसी ने ये ट्रायंगल वाली बात नहीं बताई, आज नई बात है। चलिए तो देखो यहाँ पर बेटा, ये जो ट्राई हाइब्रिड वाला जो केस मैं बता रहा था ना, अब देखना इसका मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं। यस सर। तो जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 9 3 27 9 1 9 9 3 3 9 9 3 3 है ना, हाँ 3 3 3 भी 3 3 9 मतलब ऐसे आएगा, है ना? तो देखो ये रेशियो क्या आएगा, 27:9:9:3:3:3:1 ये रेशियो है। और देखो इन्हें काउंट करके 64 होने चाहिए ये टोटल, जैसे ये होते हैं ना ये
ये 16 होने चाहिए, ये कितने होते हैं 9, 3, 12, 3, 15 और 1, 16, ऐसे ये कितने होने चाहिए 64। देखो 64 हो रहे हैं, देखो 9 है ना, 9 का चारवा टेबल पढ़ लो 36 है ना, 37 और 20 57 और 7 64। तो ये ऐसे, हाँ भाई ऐसे हुलक चिल्लू की तरह ऐसे देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, हाँ इसे समझ में बात आ गई, देखो ऐसे देखो क्या कह रहे हो ऐसे रिएक्शन था उसका, हाँ बेटा रे तो ये इसके है ना फिनोटाइप रेशियो ऐसे निकालने का है। अच्छा ऐसे सुनो, ऐसे जीनोटाइप रेशियो तुम्हें पता रहना चाहिए ट्राई हाइब्रिड तक, ठीक है, कहां तक ट्राई हाइब्रिड तक आपके कोर्स जो है। तो देखो नहीं तो मैं आज ये सोच रहा था, तुमने उसमें टाइम निकलवा दिया ना, मैंने सोचा कि तुम बच्चे हमें करके दिखा देंगे, नहीं तो मैं पहले खींच देता इसको, नहीं तो मैं मल्टीपल एलिजम प्लेट्रोपी बताने वाला था आज, वो बात नहीं। चलो देखो जीनोटाइप रेशियो की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या जीनोटाइप रेशियो है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस 1:2:1। अब डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको पता ही क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। F2 की बातें करते हैं जो हम रेशियो की बात करते हैं हमेशा, तो उसका स्क्वायर कर दोगे 1:2:1 का स्क्वायर बस। तो देखो ध्यान से सुनना कितना आसान है ये, यानी पहले इस पूरे की एक में मल्टीप्लाई कर दो, फिर पूरे की दो में मल्टीप्लाई कर दो, फिर पूरे का फिर से एक में कर दो, तो कितना आसान। देखना मैं लिख रहा हूं 1:2:1 लिख दिया मैंने, है ना, एक का किया था मैंने मल्टीप्लाई, अब मैं दो का, अब मैं लिख दूंगा 2:4:2, क्या लिख दूंगा 2:4:2, फिर से 1:1 लिख दूंगा, लो साहब एनी प्रॉब्लम। देखो ऐसे ये तीन तीन कॉम्बिनेशन से तीन बॉक्स से आ गए ना, 1:1, 2:4:2, 1:1, ये जीरो टाइप रेशियो है। अच्छा अब सुनो, अब विजय बाबू कहेंगे सर ये कहां से निकाल दिए, पहले तो हम जानते थे, पहले हम जानते थे कि ये एक ऐसा होता था, दो ऐसे वाले होते थे, एक ऐसा होता था, है ना, अब इसमें कौन कैसा कैसा है। तो देखो ध्यान से सुनो, एक बात बता दूं, मैंने ये तुम्हें बताया था ना कि ये होमोजाइगस है ना, ये एक एक बार आ रहे हैं नहीं आ रहे इसमें टेबल में पूरे में, कहीं दूसरी जगह ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं दूसरी जगह है, ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ना ऐसा मिलेगा ना ऐसा मिलेगा, ये चारों एक एक वाले ये हैं। बात को पढ़िए भाई, देखो यहां ये लिख देता हूं मैं इसका, ये है वाई वाई आर आर, सपोज करिए ये है वाई वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ये है स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये है स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, बढ़िया बात आई। और देखो ये चारों एक जैसा जीनोटाइप था डायहाइब्रिड, कैसे थे ये, तो ये वाला जो है ना ये रहा वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये डायहाइब्रिड है, समझ गए नहीं समझे, ये होमोजाइगस है जो मैंने चार बताए, पूरा मतलब उसका विश्लेषण भी कर दिया हमने, है ना एनालिसिस। अब ये दो दो वाले पता कौन कौन से रह गए, देखो दो दो बार आए होंगे, देखो एक बार दो बार, एक ही जीनोटाइप है नहीं है, देखो गौर से, देखो गौर से, एक बार दो बार, दो जीनोटाइप है नहीं है, है ना, और देखो इधर आएगा ये रहा, है ना, नहीं ये भी है, देखो कौन से, ये देखो येलो राउंड, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। देखो एरो खींच देता हूं, ये एक, ये यहां पे वाला है ना, ये और ये रहा एक दो तीन चार ऐसे ऐसे। तो ये हमारे ये रहे। तो देखो मैं यहां लिख देता हूँ, इनका भी कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ, फिकर नोट। इधर को लिख देते नीचे को, ये कौन सा जीनोटाइप है, मैं तो ना भी देखूं तब भी बता दूंगा यहाँ पे कि कौन कौन से हैं ये लोग। और ये रहा मोनोहाइब्रिड है, ये कैसे हैं, ये मोनोहाइब्रिड हो जाएंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक आ गया हमारा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई नहीं बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अरे कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो ये चार हैं, ये मोनोहाइब्रिड्स हैं, ये चारों एक एक है बस इनमें ऑल्टरनेट पेयर, ये मोनोहाइब्रिड्स हैं जो दो दो बार आएंगे। अरे ये मैंने एरो गलत लगा दिया, ठीक है मोनोहाइब्रिड्स। और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो और बता देता हूं बस, वैसे जरूरत ट्राइहाइब्रिड क्रॉस तक फिनोटाइप की जरूरत पड़ती है, जीनोटाइप रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती, जीनोटाइप रेशियो की जरूरत पड़ती है ट्राइहाइब्रिड क्रॉस तक, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के लिए पता क्या कर देंगे हम, एक तो ये 1 2 1 2 4 2 ले लो, यानी 1 2 1 का क्यूब कर देंगे ना, ये है 1 2 1 2 4 2 1 2 1, और इसमें पता मल्टीप्लाई कर दो 1 2 1 से, समझ गए, तो आ जाएगा निकल के, घर पे ट्राई मार के लेके आना। देखो है ना एक बार तो देखो सेम यही रखना है, देखना जब इसकी पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक में तो सेम ही तो आएगा, फिर एक बार इस पूरे का डबल कर देना है तो क्या आएगा 242 484 242, बता दिया मैंने, लिख लो, और फिर 1 2 1 2 4 2 1 2 1 कितनी बार आएगा, है ना 27 बार, देखना 3 3 6 3 9 तो यही है, 9 9 9 27 बार लिखे जाएंगे, बात को बढ़िया आ गई, चलो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत आ गई तो मिलते ही जाएंगे।